Dear friends, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is memory class second. आज हमारा टॉपिक जो है वो मेमोरी क्लास सेकंड है. थोड़ा रोशनी डालेंगे. हर किसी के पास सेम मेमोरी होती है. हम सब इंसान हैं और सबके पास ऊपर वाले ने सेम मेमोरी दी है. अब किसी के पास ट्रेन मेमोरी है और किसी के पास अनट्रेन मेमोरी है. कम मेमोरी और ज्यादा मेमोरी नहीं है, बल्कि क्या है, ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन मेमोरी. कोई इसको ट्रेन कर रहा है, दिन ब दिन सीख रहा है, वो ट्रेन हो रही है, होती जा रही है. कोई नहीं सीख रहा है, वो तो अनट्रेन होती जा रही है दिन ब दिन. इसीलिए कहते हैं कि हम आज से कहेंगे ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन मेमोरी. कल जो हमने मेथड पढ़ा है वो उसको उसको कहते हैं राइमिंग मेथड. नंबर वन उसको क्या था, उसका नाम था राइमिंग मेथड. हमें राइमिंग राइमिंग के थ्रू याद रखना है. जिस तरह मैं खुद दोहराऊंगा आप लिख सकते हो. वन सन, टू शू, थ्री ट्री, फोर डोर, फाइव हायो, सिक्स विक, सेवन हेवन, एट पलेट, नाइन वाइन, टेन हैं. और इस तरह हम 10 चीजें और ऐसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं. अगर हम कहेंगे फाइव हायो, वहां पर हम गिलास लिखेंगे. फाइव की जगह हम गिलास लिखेंगे, यानी हायो के बी के बी के होम. फाइव से क्या निकलते हैं, गिलास निकलते हैं. ये हमें फिर भूलेंगे नहीं. वन सन, अगर हम लिखेंगे मार्कर, सन से क्या उतरते हैं, मार्कर. वन पे सन है. फाइव हाइव, हाइव पे क्या है, हाइव पे से गिलास उतरते हैं. गिलास देखे हमने, हाइव से. ये एक याद रहेगा, आराम से याद रहेगा. याद करने की जरूरत नहीं, सब खुद या खुद याद रहेगा. क्या है कि थ्री डोर, फोर डोर. डोर जब हम वो डोर पे क्या लगे हुए, जूते लगे हुए. वो फोर पे अगर रखेंगे, फोर पे रखेंगे क्लोथ या शोज या क्लोथ्स रखेंगे. जो भी अंदर जाएगा उसको क्लोथ्स पहनने हैं. जो भी डोर, फोर डोर, डोर पे क्या लगे, क्लोथ्स. जो भी अंदर जाएगा उसको क्लोथ्स पहनने हैं. फोर डोर. फाइव सिक्स विक्स, विक्स में अगर रखेंगे रखेंगे बोतल. जब हमने विक्स खोले, जब हमने मिठाई खोली है, वहाँ पे बोतल्स निकले. जो भी हम रखेंगे, कल हमने रखा था मार्कर, रखा था सिक्स विक्स पे. एट पलेट, कल हमने पलेट पे लिखा था बल्ब. नाइन वाइन, कल हमने वाइन में लिखा था. वाइन के कमरे में हम जाए, वाइन के शॉप, वहाँ पे मिरर थे हमने लिखे. ये हम भूलेंगे नहीं. आज का ये कल का मेथड था. आज का हम मेथड जो है मेमोरी क्लास सेकंड, उसमें हम लिखेंगे मेमोरी क्लास सेकंड में स्टोरी स्टोरी क्रिएशन मेथड, या इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं चैन मेथड. चैन मेथड हमें स्टोरी बनानी है या चैन से इसको मिलाना है. देखो हम स्टोरी बनाएंगे. वन इस पर लिखे हम फील्ड, दूसरे पर लिखे हम प्लांट. ये हम कुछ भी लिख सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल सिखाऊंगा, आप खुद भी बना सकते हो. थ्री टी, फोर शीप, फाइव वाइट, सिक्स क्लोथ्स, सेवन स्कूल, एट कुछ भी लिख सकते हैं. एरोप्लेन, नाइन मून, टेन स्टार्स, एलेवन सन, ट्वेल्व सिक्के, थर्टीन मार्स, 14 अर्थ, 15 कोर. अब हमें स्टोरी बनानी है. देखो कैसे बनानी है. फील्ड, फील्ड में हम गए, वहां पे प्लांट्स थे. फील्ड में जब गए वहां पे प्लांट्स थे. प्लांट्स पे कौन क्या था, प्लांट्स पे टी थी, प्लांट्स पे चाय थी, टी थी, टी. प्लांट्स, हम फील्ड में गए वहां पे प्लांट्स थे. प्लांट्स
प्लांट्स के पेड़ पे, प्लांट्स में क्या उगे हुए थे, टी, वहां पे टी थी, सब प्लांट्स में क्या उगे थे, टी, फ्रूट्स के बदले वहां टी थी, टी कौन पी रहा था, टी कौन पी रहा था, टी तो शीप पी रहा है, टी टी कौन पी रहा है, शीप पी रहा है, इंसान नहीं पी रहे थे, शीप पी रहे हैं, टी कौन पी रहा है, शीप पी रहा है, शीप जब पी रहे थे वो कौन सा कलर है, व्हाइट, उसने क्या पहने थे, व्हाइट, उसने पहने थे व्हाइट, व्हाइट कलर का था, या व्हाइट कलर का था क्लोथ पहने थे, व्हाइट, वो शीप कौन सा कलर था, वो व्हाइट था, व्हाइट व्हाइट, उसने पहने थे कपड़े, उसने पहने थे कपड़े, उसने पहने थे कपड़े, वो कलर कौन सा था, व्हाइट, उसने क्या पहने थे, कपड़े पहने थे, कपड़े, आपका जब उसने कपड़े पहने वो कहाँ जा रहा था, वो स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहा था, जब स्कूल जा रहा था वो स्कूल दौरान वो एरोप्लेन को चढ़ा, वो एरोप्लेन को चढ़ा, हमें किस याद करने की जरूरत नहीं, वो एरोप्लेन को चढ़ा तो फिर वो कहाँ गया, वो मून पे गया, वो मून पे गया, जब मून पे गया तो वो मून, जब वो मून पे पहुंचा वहां से आगे निकला कहाँ पे, कहाँ गया, सितारे पे, सितारे पे गया, जब सितारे पे, जब सितारे तक पहुंचा तो वहां पे गया सन तक, सन पे पहुंचा तो वहां की तरफ रवाना हुआ, जब सिकर पे रवाना हुआ तो वहां पे कहाँ आ गए, नीचे मार्स पे गिरा, जब मार्स पे गिरा तो वहां से नीचे आ गया अर्थ, जब अर्थ से आ गया तो वहां पे अर्थ के बीच वाले हिस्से गया, कोर पे गया, नहीं भूलेंगे, देखो फील्ड, फील्ड में क्या थे, प्लांट्स, प्लांट्स पे क्या लगी थी, टी, टी कौन पी रहा था, शीप, शीप का कलर क्या था, व्हाइट, व्हाइट व्हाइट, उसने क्या पहने थे, क्लोथस, क्लोथस, वो कहाँ जा रहा था, स्कूल, स्कूल जब जा रहा था वो एरोप्लेन को चढ़ा, एरोप्लेन पे कहाँ वो चढ़ा, वो चढ़ा मून पे, मून पे जब जब पहुंचा फिर गया स्टार्स पे, स्टार्स पे जब गया फिर गया सन पे, सन पे जब गया फिर सिके, फिर आसमान की तरफ चढ़ा, फिर सिके पे जब गया फिर वह आया वापस मार्स पे, फिर जब मार्स पे पहुंचा तो आया किस पे, अर्थ पे, अर्थ पे जब गया पहुंचा तो वो गया अर्थ के निचले वाले हिस्से कोर पे, ये है स्टोरी, हम इससे बड़ा भी बड़ी स्टोरी भी बना सकते हैं, इस तरह हमारा दिमाग काम करता है। आज का जो मेथड था स्टोरी क्रिएशन मेथड या चेन मेथड इसको कहते हैं, हम चेन, हम स्टोरी बना सकते हैं या चेन बना सकते हैं, जिस तरह हमें फिल्म याद रहती है वो तो स्टोरी पे हम देखते हैं, स्टोरी देखते हैं हमें कुछ, हम कुछ नहीं भूलते हैं, इसी तरह यहाँ पे हम स्टोरी बनाएंगे, यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, इसको हम चेन में लटका के रखेंगे और इस तरह हमें हम याद होगी। कल हमारा टॉपिक है पैग सिस्टम, तो सबसे बढ़िया जो है पेग सिस्टम है, मेमोरी क्लास में ज़्यादा बढ़िया है, जिससे हमें ज़्यादा याद रहते हैं वो, उसको कहते हैं पेग सिस्टम, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह रहमान। मगर मेरी गुजारिश आप से, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया, अगर आपको ये मेमोरी क्लास पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।